दो इमेज इसमें लिए हैं, एक लेयर में आपका लाइब्रेरी में ब्लैक एंड वाइट अक्षरधाम, और एक ये ब्लैक एंड वाइट और एक कलर, दो भाग लिए हैं। यहाँ आपका कलर पार्ट है ये लेयर वन में, और दूसरा कलर है, और तीसरा कुछ नहीं है। यहाँ F5 से है यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया में हम एक बॉक्स लिए, आपको कलर किस भाग से देखना है। जैसे आप कहें कि हमको लेफ्ट साइड से राइट साइड चाहिए, आप कोई कहे कि नहीं इधर से इधर चाहिए, कोई कुछ भी कह सकता है। हम मिटाते जाए हमको चाहिए, हाँ हमको हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, हम ब्रश लिए, ब्रश का साइज कुछ बढ़ा दिए, नहीं ब्रश लिए हम, कलर लिए, और तब उस तरह का ब्रश का काम करना है। तब ये जो F5 दिए हैं, ये F5 मत दीजिए, यहाँ ला के छोड़ दीजिए। दो लेयर ले लीजिए एक, ठीक है, ये बस, ठीक है, लेयर केवल आप ले लीजिए, यहाँ पे आप ऑन कर लीजिए, यहाँ ब्रश लीजिए, ठीक है। अब एक बार ब्रश हल्का जहाँ से मिटाना हो, बाहर भी आप रख सकते हैं, जहाँ से भी आपको। F6 जब प्रेस कर रहे हैं, हाँ, तो अब आपको जहाँ से आपको फ़ोटो बनाना है कलर, तो मान लीजिए हम F6 करते जा रहे हैं, मिटा नहीं रहे हैं हम, उस पर ब्रश चला रहे हैं, हाँ उसको भरते जा रहे हैं। लेकिन ये डायरेक्ट कलर हो रहा है आपका, ठीक है, वो अल्फा जैसा नहीं होगा, सीधे ब्लैक एंड वाइट कलर आएगा। हाँ वो तो आप बाद में आप स्लो फास्ट कर ले, हाँ, और मैनर से जिधर से आपको चाहिए। तो ब्रश और बड़ा कर लिए, ठीक है, कंट्रोल इंटर दिए, तो ये इस तरह से होगा। ठीक, यहाँ आके लास्ट में रुक जाए, ठीक, तो यहाँ एक एक्शन है टाइमलाइन स्टॉप, मीन्स यहाँ ब्रश जो चलना शुरू हुआ, यहाँ के रुक जाए, ठीक। तो अब मास्क में हम आपको बताए थे कि जो चीज़ नहीं दिख रहा है वो दिखेगा, ठीक, तो यहाँ मास्क, ब्लैक एंड वाइट हो गया, ठीक, इमेज उल्टा कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको प्रॉपर्टीज में मास्क कर दीजिए, ठीक है, कलर हो, हाँ, छोटा ब्रश रख लीजिए, पतला ब्रश रख लीजिए, हो जाएगा। तो हर तरह का है।